Good morning, everyone. My name is Rishabh Kumar. I'm pursuing BSc Health and Physical Education at a lovely professional university. So, आज हम बात करेंगे जो हैंडबॉल गेम है उसकी दो स्किल्स के ऊपर. एक है जो हमारा जंप शॉट है एंड जो सेकेंड वन इज चेस्ट पास. तो आज हम देखेंगे बेसिक से एडवांस तक कि कैसे हम जंप शॉट करेंगे प्लस जो हमारा चेस्ट पास होगा वो कैसे रहेगा. तो सबसे पहले हम इसके अंदर वार्म अप कर लेंगे. जो हमारा बेसिक वार्म अप होता है रनिंग एंड स्ट्रेचेस एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस. उसके बाद हम करेंगे देखेंगे कि कैसे हमें जंप शॉट करना होता है उसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड स्किल है इसकी कि कैसे हमें जो हमारा चेस्ट पास है उसे कैसे थ्रो करना होता है. तो अभी वार्म अप हमारा हो चुका है, बॉडी वार्म हो चुकी है, हमने एक्सरसाइजेस कर ली है सारी. अब आ जाते हैं हमारे जंप शॉट पे. सो जंप शॉट के अंदर हमें क्या करना होता है, बेसिक से बता रहा हूँ शुरू से, कि जंप शॉट के अंदर जो हमारी 6 मीटर की लाइन होती है उसके बाद उससे पहले हमें जंप करना होता है, उसके अंदर जाके हम थ्रो नहीं कर सकते एज पर द रूल्स ऑल. एंड सबसे पहले अब आ जाते हैं हम जंप शॉट कैसे करना है. तो सबसे पहले हम जंप शॉट के अंदर अगर मैं राइट हैंड थ्रो से बॉल को थ्रो करूँगा, जंप शॉट लूँगा, तो इसके अंदर बेसिक सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा स्टांस, देन जो हमारा हैंड होगा बॉल, एंड देन जंप के साथ हमें करना होगा थ्रो इसे. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर हम करेंगे कि हमें क्या करना है. सबसे पहले बॉल को ग्रैब करके जैसे हमें पास मिला, हम लाइन के पास आए, तो फर्स्ट क्या होगा, हमारा लेफ्ट लेग आगे आएगा, उसके बाद जंप, और हाथ हम यहीं रखेंगे. हाथ हम एक टाइम के लिए अभी के लिए यहीं रखेंगे क्योंकि अभी हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिक के लिए. तो फर्स्ट स्टेप जंप, और हाथ हमारा आगे भी नहीं आएगा, मुड़ेगा भी नहीं, सीधा रहेगा ताकि हम जंप करके पावर जनरेट करके फिर थ्रो कर सकें. ठीक है, उसके बाद ये ड्रिल आ जाएगी इसके अंदर, ये बेसिक के लिए हो गया. उसके बाद इसी के अंदर हम थोड़ा सा कह सकते हैं एडवांस वर्जन डाल देंगे, जिसके अंदर जंप शॉट के अंदर क्या होगा, हमें अब हमें रनिंग थ्रो करना है अगर हमें पास मिला है, क्योंकि ये फास्टेस्ट गेम्स के अंदर आता है, तो बहुत क्विक मूवमेंट चाहिए हमें, जिसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट पहले ही मैं अपना लेफ्ट लेग आगे रखूँगा, देन राइट, देन लेफ्ट शूट. ठीक है, तो उसके अंदर मुझे करना है सबसे पहले लेफ्ट राइट देन लेफ्ट शूट. तो ऐसे हमारी ये इसकी होगी, अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊँगा. तो ये हमारी लाइन है, थ्रोइंग लाइन है वो. उसके बाद सबसे पहले लेफ्ट लेग, देन जंप, देन थ्रो. ठीक है, लेफ्ट लेग जंप देन थ्रो. तो ऐसे हमें ये परफॉर्म करना है. इसके बाद फिर जो हमारा सेकेंड स्टेप है थोड़ा सा एडवांस वाला रहेगा. फर्स्ट में बॉल जैसे पास आई मेरे पास, लेफ्ट राइट लेफ्ट थ्रो. ठीक है, तो जैसे पास आई बॉल, लेफ्ट राइट लेफ्ट थ्रो.
सो फर्स्ट स्किल हमारी जो है वो हो गई है। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्किल पे, जो कि है चेस्ट पास। तो चेस्ट पास के अंदर जैसा कि नाम है इसका, हमें अपने प्लेयर को ये बॉल चेस्ट टू चेस्ट पास करनी है। सो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर बिगनर्स सबसे पहले हमें स्टांस लेना है, और जो हमारे पैर रहेंगे वो शोल्डर अपार्ट रहेंगे। उसके बाद हमें बॉल को अच्छे से ग्रैब करना है इस पोजीशन में, सॉरी इस पोजीशन में। उसके बाद हमें बॉल को पुश करना है एंड फॉलो थ्रू, और जो रिस्ट मूवमेंट होगी वो साथ में इंक्लूड होगी, क्योंकि वही पावर जनरेट करेगी प्लस एक्यूरेसी उसी के कारण आएगी। सो आज जो बेसिक स्किल्स थी चेस्ट पास और जो जंप शॉट था, वो हमने बिगनर और एडवांस वाला जंप शॉट दोनों कर लिया है। प्लस जो हमारी स्किल थी चेस्ट पास वाली, वो भी हमने कर ली है आज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।